नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का सालोज किचन एंड ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ सर्दियों के स्पेशल बथुआ के स्टफ कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कचौरी बनाना शुरू करते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बथुआ लिया है। बथुए को अच्छे से साफ करके धो लिया है मैंने इसे 3-4 बार। यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रखा है। पैन में डालेंगे 1 चम्मच तेल, बहुत थोड़ा सा डालना है। तेल में डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को और 3-4 कली लहसुन को डालेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम धुले हुए बथुए को डाल देंगे। बथुए को हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, इसे हम 1 या 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि बथुआ सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने बथुए को 2 मिनट तक भून लिया है। ये देखिए फ्रेंड, बथुआ यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पे बथुआ ठंडा हो गया है, अब इसे हम मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने बथुए को एकदम बारीक पीस लिया है। इसे पीसने में मैंने पानी का यूज नहीं किया है। अभी हम कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंथ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, इसे हल्का सा क्रश करके डालेंगे। दो चम्मच घी डालेंगे। सारी चीज को आटे में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीज को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम बथुए का पेस्ट डालेंगे। और इसे अच्छे से आटे में मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने बथुए को आटे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हमें थोड़ी सी पानी की जरूरत है, तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से ही डालें और इसे हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है, तब तक हम कचौरी के लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन में डालेंगे सरसों का तेल 2 चम्मच। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन को, और साथ में ही 1/2 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक को भी डाल देंगे और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। प्याज को भी मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे। मसाले को धीमी आंच पे 1 मिनट तक भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने मसाले को 1 मिनट तक धीमी आंच पे भून लिया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, इसे डाल देंगे। आलू को मसालों में अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद के हिसाब से नमक। नमक को भी मिक्स कर देते हैं। मैंने आलू में नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हरी धनिया पत्ती और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और धनिया को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम हल्का सा मसल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से मसल लिया है 2 मिनट तक। तो यहाँ पे हमारा आटा कचौरी बनाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, अब हम कचौरी बना लेते हैं।
अब हम एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे। यहाँ पे मैंने इतनी बड़ी लोई तोड़ी है, इसे अच्छे से हम गोल कर लेते हैं और इसे अब हम दबा देंगे इस तरीके से, और दोनों अंगूठी की सहायता से इस तरीके से हम एक कटोरी की तरह बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें बनाना है। और अब इसमें हम स्टफिंग को डालेंगे, एक चम्मच। कचौरी आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। और इसे अच्छे से बंद कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने कचौरी को अच्छे से बंद कर दिया है, इसे दबा देंगे और बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो थोड़ा सा तेल या फिर सूखा आटा लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे तेल लगा के बेल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक कचौरी को बेल लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना मोटा रखा है। इसे हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है। और अब इसे हम फ्राई करेंगे। कचौरी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, अब इसमें हम कचौरी को डाल देंगे। एक बार पैन में जितनी कचौरी आएगी उतना ही डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कचौरी अपने आप तैर के ऊपर आ रही है और ये फूल भी रही है। अब इसे हम पलट देते हैं। यहाँ पे मैंने सारी कचौरी को पलट दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी फूली फूली कचौरी बन रही है। इसे हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक, या फिर जब तक कचौरी अच्छे से पक ना जाए। यहाँ पे मैंने कचौरी को दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लिया है। अब हम कचौरी को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी कचौरी बनी है। इसी तरीके से हम बाकी की सारी कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया है। ये खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसे हरे धनिया की चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तब भी आप उसे बथुए की स्टफ कचौरी को बना के खिला सकते हैं, उसे भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।